नमस्कार दोस्तों, व्यस्त जीवन में चैन की नींद मिल पाना बहुत मुश्किल है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक चैन की नींद सिर्फ तभी मिल सकती है जब आपकी सोने की दिशा सही हो। जी हाँ, आप किस तरह सोते हैं, किस दिशा में सोते हैं, इस पर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें निर्भर करती है। सोते वक्त अगर आपकी दिशा सही न हो तो आपके जीवन में स्वास्थ्य व धन संबंधी समस्याओं का अंबार लग जाता है। तो वहीं सही दिशा में सिर करके सोना न सिर्फ आपको अच्छी नींद देता है बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। तो ऐसे समय में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सोने की सही दिशा क्या है। तो आज के इस वीडियो में हमारे ज्योतिष आचार्य आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सोने की सही दिशा क्या है, साथ ही बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएं इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ, कार्यकर्ता हम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस दिशा में सोने से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर कोई पहले से बीमार रह रहा है, उसको दवाइयाँ चली हुई हैं, तो क्या परहेज कर देने से आपको दवाइयाँ असर करेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। दर्शकों देखिए, जीवन में वास्तु का या दिशाओं का या हर चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे शास्त्र कहता है, कोई अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को आप लगातार 5 वर्ष तक साउथ दिशा की तरफ पांव करके सुलाना शुरू कर दो, दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके सोना शुरू कर दे, तो उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी, जितना मर्जी वो स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसको कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेगी। तो आज वीडियो में बताएंगे आपको सोना की दिशा में चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब से जितने भी गृहस्थी लोग हैं तो उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। उनके लिए बेहतर दिशा ये बताई गई है, आपका सर सोते हुए साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए, पांव आपका नॉर्थ साइड उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। लेकिन जो घर के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या जो जवान बच्चे हैं, उन्हें बताया गया है कि पूर्व की तरफ सर करके शयन करना चाहिए। तो उनकी विद्या में, बुद्धि में, चीज़ों में बहुत विकास होता है, और घर के जो गृहस्थी लोग हैं, जो उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोने से धन का लाभ, कार्य का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ और स्वास्थ्य में सुधार, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते ऐसे लोग। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ करके सोते हैं तो धन का भी नुकसान होगा, घर में क्लेश भी होगा, परेशानी भी बढ़ती रहेगी। इसलिए अपने शयन कक्ष को भी ठीक रखें। जैसे अमूमन गृहस्थियों का नैऋत्य दिशा बताया गया, नैऋत्य कोण, तो शयन कक्ष को भी ठीक रखें और सोने का ये जरूर देखें कि आपका सर किधर है, पाँव किधर है, इतना परहेज करके देखें, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।